वाटर पॉल्यूशन को लेकर आपने कल जिस तरीके से आपका वीडियो वायरल हुआ, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि आप लोग उनके अधिकारियों को काम करने नहीं दे रहे। देखिए, एक बहुत ही साधारण सी बात है कि वो जो पानी है यमुना का, वो पहले से ही सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट सारा उसके अंदर में यमुना में गिर रहा है। उसके ऊपर से वो और ज़्यादा उसके अंदर में केमिकल डाल रहे हैं, और ऐसा केमिकल डाल रहे हैं जिसको डॉक्टरों ने कहा है कि वो हानिकारक है लोगों के लिए। आज अब वहाँ से जो वीडियो आ रहे हैं, वहाँ पे औरतें बहनें वहाँ पे डुबकी लगा रहे हैं पानी के अंदर में। तो अगर किसी को कल कोई, ईश्वर ना करे, कोई घटना हो जाती है, तो इसका दोषी कौन होगा? जब मैं कल अधिकारी से बात करी, मैंने उनको कहा अपना कागज़ दिखाइए जहाँ पर आपके ऑर्डर हैं, वो अपना कागज़ नहीं दिखा पाए। अगर वो अपना कागज़ नहीं दिखाएंगे, ऑर्डर नहीं दिखाएंगे, वो क्या है केमिकल उसके बारे में नहीं बताएंगे। और हमको मालूम है कि अगले दिन वहाँ पे औरतों ने डुबकी लगानी है, अगर उनकी जान चली जाती है, उनको नुकसान होता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ। अगर मुझे ये सारी बातें सामने दिखाई देंगी और अधिकारी कोई बात नहीं मानेंगे, तो आपको गुस्सा आता ही है। हाँ, मैंने उसमें दो बातें बोली। मैंने अधिकारी को कहा कि अगर आपको लगता है, अधिकारी ने कहा ये केमिकल हानिकारक नहीं है। मैंने अधिकारी को कहा कि अगर केमिकल हानिकारक नहीं है तो मैं आपके ऊपर में टेस्ट करके ट्राई करता हूँ, आपके ऊपर में डालकर अपना ट्राई करते हैं। जो केमिकल को आप औरतों के ऊपर में, बहनों के ऊपर में डालना चाहते हैं, पहले आपके ऊपर में डाल के ट्राई करते हैं। दूसरा अधिकारी ने कहा कि पानी साफ है। मैंने कहा अगर पानी साफ है तो तुम इसमें अभी जाके डुबकी लगाओ। तो वो, अगर मैंने ऐसे कहा, क्योंकि वो दोनों काम दिल्ली की लाखों माता बहनें जो भी छठ पर मनाएंगी कल, वो करने जा रही हैं, तो उससे पहले अधिकारी क्यों नहीं करेगा? हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कई बार कहा मैं यमुना में जाके डुबकी लगाऊंगा। आज क्यों नहीं वो सबसे पहले डुबकी लगाकर दिखाते हैं कि पानी हमने साफ कर दिया है? वो केमिकल पानी साफ नहीं कर रहा था, वो केमिकल केवल जो झाग हैं उनको वो ख़त्म कर रहा था। वो झाग को ख़त्म करना, पानी को साफ करना नहीं होता है। तो जो कुछ हुआ वहाँ पर, बहुत ही दिल्ली के लोगों के लिए बहुत ही अपना हानिकारक हुआ कि और ज़्यादा उसको गंदा कर रहे थे।